हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सोशल स्टडी, क्लास फिफ्थ। देखिए क्लास फिफ्थ का, और इसके चैप्टर नंबर जो फाइव है, देखिए इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ये चैप्टर, इसके ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर से वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आंसर से एक्सरसाइज किस तरह से है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें फर्स्ट है द अर्लियर नेम ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज, और उसका आंसर देखिए यहाँ पर थ्री ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन जो होता है वहां पर हमें टिक करना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर थ्री जो है सी, वो हमारा आंसर है, आंसर है अजायरी। सेकेंड है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लिविंग इन विलेज इज, और आंसर आता है 70%। थर्ड है मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द DRC आर कवर्ड विथ डेंस, आंसर आता है फॉरेस्ट। और देखिए फोर नंबर का है द स्टेपल फूड ऑफ पीपल ऑफ DRC, ठीक है DRC इज, आंसर आता है हमारा कैसावा, CASSAVA कैसावा। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स का, और उसमें जो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है वो है द रिवर दैट इज पासेस दो द DRC, हमारा आंसर आता है कॉन्गो। सेकंड है कैसावा इज अ रूट क्रॉप, क्या है रूट क्रॉप, ROOT रूट क्रॉप। थर्ड नंबर है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका। उसके बाद फोर नंबर का आता है DRC इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट एंड डायमंड्स इन द वर्ल्ड। और फिफ्थ नंबर है अ रेक काइंड ऑफ जिराफ फाउंड इन DRC इज ओ कॉपी, OKAPI। इसके बाद थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है ट्रू और फॉल्स का। देखिए जहां पर ट्रू है वहां पर हम T लिखेंगे, और जहां पर फॉल्स है वहां पर हम F लिखेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द फॉरेस्ट ऑफ द DRC आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रू। सेकेंड DRC इज रिच इन मिनरल रिसोर्स, ट्रू। थर्ड है बनाना इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ द DRC, फॉल्स। और फोर्थ है कैसावा इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ऑफ द पीपल ऑफ द DRC, ट्रू। ठीक है, इसके बाद डी नंबर का जो क्वेश्चन है, मतलब फोर नंबर का, वो है मैच द फॉलोइंग। तो देखिए कॉलम ए और बी हमें यहाँ पर दिए गए जाते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी इन दोनों को हमें ज्वाइन करना होता है, जो सही आंसर है वो आप हमें ज्वाइन करना होता है। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो है वो है मटाड़ी, और उसका आंसर आता है देखिए सी पॉट। सेकंड है पैगमाइस, और उसका आंसर आता है ट्रिबी। थर्ड है कटंगा, उसका आंसर आता है देखिए ये नंबर का रिच डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। फोर नंबर है किनशासा, आंसर आता है उसका कैपिटल ऑफ द DRC। और फिफ्थ नंबर है लुबुमबासी, उसका आंसर आता है देखिए बी नंबर का रिच इन मिनरल्स। ठीक है, इसके बाद ई नंबर का जो क्वेश्चन है, मतलब फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और उसके आंसर जो है वो आंसर हमने यहाँ पर नोटबुक पे लिखे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लोकेटेड, और उसका आंसर है देखिए द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मतलब DRC इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल जोन।
इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डज द DRC हैव, और उसका आंसर है द क्लाइमेट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रूआउट द ईयर, द टेम्परेचर इज अनफॉर्मली हाई, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे इन द आफ्टरनून, द एन्युअली रेनफॉल इज हेवी थ्रूआउट द ईयर विथ एन एवरेज बिटवीन 250 and 300 centimeter annually. It is also experience the highest frequency of thunderstorm in the world. Evening and nights are cool and comfortable. इसके बाद next जो question है वो है describe the agriculture of the people of the DRC, और उसका आंसर है एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन. सेकंड है सम पीपल इन दीज रीजन पैरेस्टिक शिफ्टिंग कल्टिवेशन. थर्ड है द मेन फूड ऑफ क्रॉप कल्टिवेट आर रीच मेज एंड कासावा. आगे है कैश क्रॉप सच एज कोका कॉफी टोबैको कॉटन रबर एक्सेट्रा. इसके बाद फोर नंबर का जो क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन DRC, और इसका आंसर है मेनी ट्रीज आर फाउंड, और इसका जो आंसर है वो है मेनी ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, सम ऑफ मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर महागोनी रोज चिंसोना रबर बाम्बू एंड ऑयल पाम एक्सेट्रा. इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है फिफ्थ नंबर का व्हाई इज द DRC कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड, और देखिए उसका आंसर है द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इज अ नेशनल हैबिटेट फॉर अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स गोरिलाज चिंपानीज बबूंस फ्लाइंग फॉक्सेस फ्लाइंग स्क्विरल्स एक्सेट्रा. इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स. रेप्टाइल्स इंक्लूड स्नेक्स पैथंस एंड क्रोकोडाइल्स. क्रोकोडाइल्स आर हिप्पोपोटामस आर फाउंड इन द स्वैम्स एंड रिवर ओकापी. A horse-like animals is found have the Democratic Republic of Congo, the DRC, is called the National Zoo of the World. तो देखिए इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 5 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व किए हैं. आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगेगा. ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.